हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक हमारे पेशेंट हैं मुबस्सिर हुसैन सिद्दीकी साहब, जो कि कोविड-19 से पीड़ित थे, और ये मुझे जो है 7 मई 2021 को जो है मिले, और जिस समय मिले थे उस समय उनका ऑक्सीजन 35, 36, 37 था, और किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। लोगों ने वहाँ उनसे कहा था कि ये जो है 4-5-6 घंटे के मेहमान हैं, और उनकी वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, उनका लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान था। हमारे एक परम मित्र हैं, उनके माध्यम से पेशेंट मुझे ट्रीटमेंट के लिए मिला, और पूर्ण रूप से जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट था, और इसके अलावा जो है मोबाइल के माध्यम से ही, वीडियो कॉल के माध्यम से मैं उन्हें परामर्श देता था। और ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के दुआओं से, जिस मरीज के लिए कहा जा रहा था कि ये 5-6 घंटे के मेहमान हैं, आज वो पूर्ण रूप से बहुत ही स्वस्थ हैं, एकदम ठीक हैं, अच्छे से हैं, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, अपने गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे के वीडियो में आप देखिए कि कितनी खुशी के मारे उनकी बीवी जो है बोल नहीं पा रही हैं, इजहार नहीं कर पा रही हैं अपनी बातों का। वो लोग बेहद खुश हैं, और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। और बस कमजोरी इनके रह गई है, वो भी धीरे धीरे उनकी दवाओं से सही हो जाएगी। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का दिखाइए। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव की दवा से ही हमें 100% आराम मिला है, हमारे हस्बैंड को एक नई जिंदगी मिली। एक नई जिंदगी मिली है, और जितने भी लोग हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से कांटेक्ट करें और उनका इलाज करें। मेरा नाम नूरी फातिमा है, ये मेरे हस्बैंड मुबशिर हुसैन सिद्दीकी। इनकी हालत 26 तारीख से बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी, फिर जब कोविड टेस्ट कराया तो उसमें ये पॉजिटिव आए, ये इनकी पॉजिटिव की रिपोर्ट है। फिर इनकी जब हालत बहुत बिगड़ने लगी तो इनको अर्जुनगंज में एक हॉस्पिटल है वहाँ लेके हम लोग भर्ती हुए। वहाँ पर जब भर्ती हुए तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत सीरियस है, इनको 1.5 लाख के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो वो 1.5 लाख के इंजेक्शन हम लगाने को तैयार हो गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, हालत और बिगड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको घर ही ले चलते हैं, वहाँ पर ही जो हो सकेगा हम लोग इनके से के लिए करेंगे। फिर धीरे धीरे इनको इनके लिए ऑक्सीजन हमको कहीं से मिल गया, तो ऑक्सीजन इनके लगाया। फिर उसके बाद मेरे एक रिलेटिव हैं शंभू भाई, उन्होंने डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, जो डालीगंज होम्योपैथिक में जिनका सेंटर है, उनके बारे में मुझे पता चला, तो 7 तारीख से उनकी दवा चलना शुरू हो गई। आप अपना बताइए कि नाम पर नाम बताइए। मैं मुबशिर हुसैन सिद्दीकी, लाल बाग इस्लामिक कॉलेज का रेजिडेंस निवासी हूँ। मेरी रिपोर्ट 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन लेवल काफ़ी गिरने लगा था, 40 के करीब ऑक्सीजन लेवल हो गया था। फिर उसके बाद घर के बच्चे कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, वो एक हॉस्पिटल था सुल्तानपुर रोड पे न्यूरो, तो वहाँ ले गए, वहाँ हमको एडमिट, एक दिन एडमिट रहे आईसीयू में। वहाँ हमको लग रहा था कि जैसे हमको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया हो, बड़ी लग रहा था कि पोजीशन कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके दूसरे, फिर खैर इन लोगों ने डिस्चार्ज करा करके फिर यहाँ लिया है। फिर उसके बाद पता चला कि आप डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी का की ट्रीटमेंट में घर वालों ने हमको कर दिया है, और जिसकी दवा से हमको काफ़ी फायदा हुआ है। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव की दवा से हमारे हस्बैंड का कोरोना एकदम ठीक हो गया, 13 दिन में ठीक हो गया। आज उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें ये निगेटिव है। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव की दवा ने काफ़ी आराम पहुंचाया इनको, और कोरोना के साथ साथ इनको
टाइफाइड, डेंगू, डेंगू और जॉइंटिस भी हो गया था, तो उनकी दवाओं से वो सब बीमारियां भी इनके ठीक हो गई हैं। रिपोर्ट में इनके सब क्लियर हो गई हैं और बस कमज़ोरी इनके रह गई है, वो भी धीरे धीरे उनकी दवाओं से सही हो जाएगी। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का दिखाइए, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव की दवा से ही हमें 100% आराम मिला है, हमारे हस्बैंड को एक नई जिंदगी मिली, एक नई जिंदगी मिली है। और जितने भी लोग हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से कांटेक्ट करें और उनका इलाज कराएं।